गौरतलब है कि कल 19 अक्टूबर 2022 को हमारे चैनल के द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें मायापुर थाना अंतर्गत ग्राम बुधौन राजापुर के पास स्टैंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विद्युत विभाग की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था। उसकी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी, जिसमें ग्रामीणों द्वारा जेई के खिलाफ 15,000 रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया गया था, जिसकी खबर हमारे चैनल द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। इस खबर के प्रकाशन से बौखलाए विद्युत विभाग के जेई सुमित वर्मा के द्वारा अपने स्टाफ के साथ मायापुर थाने में पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का अगले दिन दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को प्रयास किया गया एवं लिखित शिकायत आवेदन दिया गया, जिसमें खबर प्रकाशित न करने की एवज में पत्रकारों पर 15,000 रूपये मांगने का आरोप लगाया है। साथ ही शिकायती आवेदन में पत्रकार संजय गुप्ता पर 2 दिवस के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने की धमकी भी दी गई है। मामले की जानकारी जैसे ही ब्लॉक पत्रकार संघ खनियाधाना को लगी तो ब्लॉक पत्रकार संघ खनियाधाना एवं आधा सैकड़ा ग्रामीणों के साथ जवाबी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक आवेदन मायापुर थाना प्रभारी को दिया गया, जिसमें मामले की निष्पक्षता से जांच कर दोषियों को सजा देने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया कि यदि संजय गुप्ता या किसी अन्य पत्रकार साथी पर झूठी कार्रवाई या एफआईआर दर्ज होती है तो क्षेत्र के समस्त पत्रकार आंदोलन करेंगे एवं अनशन पर बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा तुलाराम जाटव। तो ये जो रिश्वत कांड का मामला आ रहा है, इसमें जेई साहब ने आवेदन दिया है एक ग्रामीणों के खिलाफ भी, के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? बताओ साहब, हमने हमसे रिश्वत मांगी थी, बोले हमें 15,000 रुपये दो सो हम डीपी रखवा देंगे, नहीं डीपी रखी नहीं हुई। फिर आपने इसके बारे में और क्या किया? फिर पैसा हमने जोड़ के उनको जमा करवाए और अभी तक डीपी नहीं आई हमारी, और थाने में भी शिकायत झूठी साझी हमारे जिनकी मीडिया वालों की करी इन लोगों ने। अच्छा, हाँ, तो उनने पैसों की मांग की थी? कही थी सर। भाई साहब, अभी जो राजापुर बस स्टैंड पर आपने चक्का जाम किया था और इसमें इसके बाद जेई साहब ने यहाँ पे एक पत्रकार पर झूठी एफआईआर के लिए पुलिस मायापुर को एक आवेदन दिया है और आप लोग उसके खिलाफ आवेदन देने आए थे, तो क्या आवेदन देने आए थे? हाँ, ऐसा है, जेई साहब ने जो हमारे पत्रकार बंधुओं पर झूठा एक आवेदन दिया है थाना मायापुर में, तो क्या है उसमें जैसे हम लोगों से मांग की थी पैसे की 15,000 रुपये की, इसलिए हम लोगों का देने चाहिए, पत्रकार का क्या गलती थी? क्योंकि हम लोगों के लिए पत्रकार तो नहीं होते तो हम लोगों का क्या होता? आज तो हमारी इतनी सुनवाई नहीं है, इसलिए हम लोगों को थाने आने पड़ा है अभी आवेदन देने के लिए। और जो रिश्वत के 15,000 जेई साहब ने मांगे थे, इसमें कितनी सत्ता है? श्रीमान जी, ये ग्रामीण है, इनसे पूछिए, इन सब के सामने मैं बात कर रहा था फोन पर फोन मेरा नहीं था, कोई मसूरी के लड़का था उसका फोन था, तो इन्होंने ये कहा मुझसे कि नंबर एक 1,35,000 रुपये है उसका जमा करवाइए पूरा पैसा। मैंने पुलिस श्रीमान जी से 10-20% लगता है, मैं 20-30% करवा देता हूँ, फिर भी पैसे मैंने जमा करवाने के बाद 2 दिन बाद कॉल किया तो सर ने भी एक ही बात बोली मुझसे कि आप एक काम करिए, सब में पहले तो बिल जमा करवाइए पूरा और कुछ एडवांस चाहिए मुझे, कुछ मतलब पैसा चाहिए। फिर उनके कर्मचारी से बात हुई मेरी, कुछ कर्मचारी से, तो खोड़ से ही फोन आया कि 15,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, ये हैं ग्रामीण इस पद के तौर पे। हाँ, 15,000 तो एक्स्ट्रा लगेगी ही। तो ये सत्य है बात? बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम अंशुल कुमार जैन, मैं ग्राम बुधौन राजापुर का मूल निवासी हूँ। मैं 17 तारीख को खोड़ पिछोर में जेई ऑफिस में गया था अपने बिल में सुधार करवाने के लिए। जब मैं वहां पहुंचा तो जेई ऑफिस में लगभग 11 बजे पहुंचे और 11 बजे पहुंचने पर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे साथ यही बोला कि आपके बिल में जो पैसा है वही उतना ही देना पड़ेगा, बिल में कोई सुधार नहीं होगा, और साथ में ही मेरे साथ अभद्र भाषा का जोरदार प्रयोग किया एवं हमें ऑफिस से मुझे और मेरे भाई को धुतकार कर निकाल दिया गया। और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई? और फिर मेरे बिल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब 2 दिन पश्चात 19 तारीख को जब हम लोग खनियाने जा रहे थे तब रोड पर चक्का जाम लगा हुआ देखा, तब रोड पर चक्के जाम के कारण हम लोग निकल रहे थे
तो किसी ने मेरा फोटो ले लिया और फोटो लेने के कारण मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि मैंने ग्रामीण को भड़का करके चक्का जाम करवाया है, जो कि बिल्कुल निराधार है। मैं ग्रामीणों से ज़्यादा घुला मिलाव नहीं हूँ, मैं अक्सर बाहर रहता हूँ, इसलिए ग्रामीण द्वारा चक्का जाम करने वाली बात बिल्कुल निराधार है। और मेरे ऊपर जो भी कि मैं तुझे देख लूँगा या मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी बातें मैंने कदापि नहीं बोली हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें मैंने उनसे किस प्रकार से बात की है वो साफ साफ स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं आप। किसने आरोप लगाया आप पर? जेई सुपरवाइजर सुमित वर्मा ने।